30 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग इन HTML का आज हम डे 14 स्टार्ट करने लगे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम ID और क्लास को यूज़ करते हुए अपना जो टेक्स्ट है वो HTML पेज के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको HTML के अंदर क्लास को और ID के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दोनों को पैरेलल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ID को देखें तो ID क्या होती है और फिर उसके बाद क्लास हम पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं। तो ID जब आप यूज़ करते हैं HTML के अंदर तो ID को यूज़ करते हुए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ID एक यूनिक वेरिएबल या टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है ना वो यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी एक टेक्स्ट को डिक्लेयर किया है किसी टैग के अंदर और उसके अंदर आप ID यूज़ करते हैं तो आप वो ID किसी और टेक्स्ट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्लास का इससे बिल्कुल ही उल्ट है कि अगर आप क्लास एक टेक्स्ट के अंदर या एक टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली किसी और टेक्स्ट या टैग के अंदर उस क्लास का यूज़ कर सकते हैं, उसकी रिपीटेशन कर सकते हैं। तो हमें ID की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग है या हमारी जो डिफरेंट किस्म का हमारा टेक्स्ट है वो दूसरे टेक्स्ट से थोड़ा अलग नज़र आए, तो उसमें हम क्लास का यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे यूज़ आता है ID का। या जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेडर है यानी कि हेडिंग जो नज़र आ रही है वो किस तरह की हो, वो इस तरह की हो कि उसका जो कलर है वो जो ना लाइट ब्लू हो और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो और वैसे उसका कलर ब्लैक हो और उसके अंदर 40 पिक्सल की पैडिंग और साथ में टेक्स्ट लाइन हो सेंटर के अंदर। यहाँ मैंने हैश के साथ जो है ना वो ID एट्रीब्यूट को यूज़ किया है और ये देखेंगे किस तरह वर्क करता है। उसके बाद अगर हम अपने क्लास कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस आ जाएं तो क्लास कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि हम सिंपली क्या कर रहे थे कि एक क्लास को जैसे हमने सिटी को वहाँ पे डिक्लेयर किया और उसके बाद उसके अंदर उसके डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो है ना वो डिक्लेयर कर दी स्टाइल टैग के अंदर रहते हुए। तो ये स्टाइल टैग के अंदर रहते हुए हमने दोनों काम किए कि हमने यहाँ पे ID को भी डिक्लेयर कर दिया और सिटी को जो कि हमारी क्लास है उसको भी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को पैरेलल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं कि हम जो है ना अपना कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले जो हमारी हेडिंग थी उसको माई सिटीज़ दिया है और यहाँ पे मैंने ID का यूज़ किया है। तो मैंने हेडर जो दिया था उसके अंदर ही ID को डिक्लेयर करके उसको यूज़ कर लिया है। आप अलग से div टैग नहीं भी यूज़ करना चाह रहे तो आप ना करें, आप क्लास को भी और ID को हेडर के अंदर या उस पैराग्राफ के अंदर या उस टैग के अंदर इजीली लिख के जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ID को डिक्लेयर करके यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिखा माई हेडर। ID मैंने बनाई थी यहाँ पे, अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो माई हेडर की बनाई थी हैश के साथ। ID हमेशा हैश के साथ बनाई जाती है और उसको कॉल ID के साथ किया जाता है, हैश के साथ कॉल नहीं किया जाता। तो ID इज़ इक्वल टू माई हेडर, यानी कि मैंने जो ऊपर ID बनाई थी उसको कॉल कर लिया और माई सिटीज़ के ऊपर वो अप्लाई की है हेडिंग 1 टैग के साथ, जो कि हम स्टार्टिंग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हेडिंग 1 टैग क्या होता है। तो उसके बाद अगर हम आ जाएँ अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया क्लासेस का, तो क्लासेस का मैंने ये बताया था कि आपने सिंपली एक दफ़ा डिक्लेयर करना और वही चीज़ आप बार बार क्लास को कॉल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास को भी आप सिंपली जो है ना हेडिंग के अंदर कॉल कर सकते हैं, आपको div अलग से टैग लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप div टैग के अंदर जो है ना इसको लिखें। तो यहाँ पर हमने क्लासेस भी यहाँ पर डिक्लेयर कर ली और ID को भी हमने डिक्लेयर करके यूज़ भी कर लिया। तो इसको हम सिंपली सेव करते हैं और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सिटीज़ के ऊपर एक अलग कलर अप्लाई हो गया और उसका टेक्सचर बिल्कुल ही अलग है और बाकी जो थे जो हमने क्लासेस अप्लाई की थी पाकिस्तान के ऊपर, पेरिस के ऊपर, टोक्यो के ऊपर, ये हमें बिल्कुल ही एक अलग टेक्सचर नज़र आ रहा है। इसकी अब क्या वजह है? अगर हम ऐसा करें कि पाकिस्तान के ऊपर भी वही ID अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि हम क्लासेस को तो हर एक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हम जो है ना पाकिस्तान के ऊपर वो ID भी अप्लाई कर सकते हैं? तो देखते हैं हम ऐसा होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लास की जगह लिख लेते हैं पाकिस्तान के साथ ID और यहाँ पर हम सिटी को एज अ ID कॉल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सिटी हमने यहाँ पर डिक्लेयर ही क्लास की है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं माई हेडर, देखते हैं कि क्या माई हेडर यहाँ पर भी कॉल होता है या नहीं होता। तो जैसे ही हमने सेव किया इसको एज अ ID तो अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी एक
यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आईडी के तौर पे शो हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान पे भी हमने आईडी को अप्लाई किया और वो आईडी को यूज़ कर लिया। तो इस तरह का यूज़ हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम किसी का भी टेक्सचर दूसरे टैक्स से अलग करके उसको यूज़ कर सकते हैं और एक यूनिकनेस पैदा कर सकते हैं अपने जो है ना वो टेक्सचर के अंदर, अपनी फॉर्मेटिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक आ रहा है कि हमने जब आईडी दोनों पर अप्लाई की तो दोनों एज अ क्लास यहाँ पर एक्ट करना शुरू हो गए। तो बेहतर यही तरीका है कि आप अलग अलग आईडीज़ को क्रिएट करें अगर आप उनको अलग यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप वही आईडी को बार बार कॉल करने की कोशिश करेंगे वो कॉल हो तो जाएगी, लेकिन एक नुकसान ये है कि वो एज अ क्लास एक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो आपने एज अ क्लास यूज़ नहीं करना, आईडी का नाम चेंज करके सिंपली यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे हम करते भी हैं, तो यहाँ पे हमने हेडर माई हेडर के नाम से आईडी बनाई थी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा चेंज इसके अंदर लेके आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक और हेडिंग बना लेते हैं और उसको माई फुटर कह लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और, यहाँ पे हमने क्या किया आईडी बनाई और यहाँ पे उसको माय फुटर का नाम दे दिया, और ये जो है ना इसका कलर भी थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ताकि थोड़ी डिफरेंस यहाँ पे हमें नज़र आए। तो ये हमने इसका कलर चेंज कर लिया। उसके बाद अगर हम इसको कॉल करना चाहें तो पाकिस्तान में ही हम इसको कॉल करते हैं, तो यहाँ पर अब मैं माय फुटर को कॉल करूँगा। तो माय फुटर, और यहाँ पे हमने एज अ आईडी बनाया हुआ है तो माय फुटर को मैंने कॉल किया। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं कि क्या ये अप्लाई हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी हमारी अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह आप आईडीज़ को क्रिएट करके अपने जो फॉर्मेटिंग है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और क्लासेस को यूज़ करते हुए तो आप वैसे ही एक फॉर्मेटिंग को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट डे के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।